वाह, चाट, पापड़ी, गोलगप्पे, स्ट्रीट फूड। 6 महीने लॉकडाउन में ना कुछ नहीं खाया। आज बड़ा मन कर रहा है कुछ देसी खाने का, देसी तड़का। तो अभिषेक को फोन करती हूँ, उसके साथ चलते हैं। वही थोड़ा फूडी है ना, उसी को फोन करती हूँ। हाँ जी मम्मी जी, सुनने में आया है, याद किया है आपने हमको। कुछ पहन, कुर्ता उड़ता चलते हैं, कुछ देसी खा के। अरे मम्मी क्या देसी खाओगे, कहाँ तुम्हारे गोलगप्पे, कहाँ मेरा बर्गर, कहाँ तुम्हारी राज कचौड़ी, कहाँ मेरा पिज्जा, कहाँ तुम्हारा रसगुल्ला, कहाँ मेरा चौपड़ा। क्या हो गया? गोलगप्पे, राज कचौड़ी, इनका कोई कंपैरिजन नहीं है। मम्मी यार आपको पता नहीं क्या, विदेशी ड्रिंक चैलेंज भी मैं ही जीता था, तो विदेशी फूड चैलेंज भी होगा तो मैं ही जीतूंगा। कहाँ विदेशी, कहाँ देसी, ऐसा है तो हो जाए फिर एक चैलेंज, देसी वर्सेस विदेशी। फिर आज यही हो जाए, विदेशी वर्सेस देसी फूड चैलेंज हो जाए। तो चलो मैम। ऑलराइट, सो यो वीडियो, वेलकम बैक टू आवर चैनल, आवर चैनल सब्सक्राइबर्स, मी मम्मी फैमिली सबका चैनल। और आज की वीडियो में हम करने वाले हैं देसी वर्सेस विदेशी फूड चैलेंज। लाइक ड्रिंक चैलेंज भी किया था हमने देसी वर्सेस विदेशी, उसका इतनी डिमांड आती थी कि फूड चैलेंज करो, तो मम्मी मैं कहा इस बार आपके साथ हो जाए फूड कॉम्पिटिशन, क्योंकि मम्मी को मैं हराने में मतलब अपने को बहुत अच्छा लगता है भाई, हारने में अच्छा लगता है मम्मी, गजब बेइज्जती है। बट लाइक जब हम हराते हैं तब अपन उनको बहुत अच्छा लगता है, नया नया लगता है। ये मेरी देसी भाषा की हो रही है। I love it when I like mummy, I win and you lose. I love it. तो आज की वीडियो में बहुत अमेजिंग, क्योंकि भाई लिटरली इसमें इतने अमेजिंग देसी फूड है, इतने अमेजिंग विदेशी फूड है कि मम्मी मजा आने वाला है। हमारे बीच होने वाले वही 5 राउंड और जो ज्यादा जीतेगा वो होगा आज का विजेता। और फैमिली 150,000 लाइक्स आएंगे तो इसका बनेगा पार्ट 2। तो भाई लाइक पहले कर देना देसी वर्सेस विदेशी पार्ट 2 देखने के लिए। तो चलते हैं हम अपने पहले राउंड की तरफ, लेट्स गो फैमिली। ओके मम्मी, तो राउंड 1 और इसमें इसके अंदर पड़ी है एक देसी आइटम, इसके अंदर है एक विदेशी आइटम, और हमें चूज करना है कि आप कौन सा बाउल लोगे, मैं कौन सा बाउल लूंगा। तो हम इनको अच्छा आपने सिलेक्ट कर लिया अपना। अरे मम्मी सुपर फास्ट है, तो देखते हैं कि हमारे कैमरामैन दिव्यांश ने देसी वर्सेस विदेशी में क्या डाला है, क्योंकि लाइक वो ही डाल रहा है इसके अंदर चीजें। तो लेट्स सी मम्मी को क्या मिलता है और मेरे को क्या मिलता है। पहले मम्मी आप जाओ, अनबॉक्सिंग टाइम। मम्मा को मिली है मम्मी की फेवरेट राज कचौड़ी। और लेट मी सी मुझे क्या मिला है, मुझे मिला है देसी को विदेशी मिला। मेरे को मिली है सुशी, बट आई बी वेरी ऑनेस्ट, आई हैव नेवर ईटन सुशी बिफोर, लाइक लिटरली। सुशी कहाँ का फूड है मम्मी, कोरियन या जापान? आप लोग बताना कोरिया का है सुशी या जापान का है। आई डोंट नो कोरिया या जापान का है मेरे हिसाब से, बाकी सब्सक्राइबर्स बताएंगे किसका है। आपको क्या लगता है? मेरे हिसाब से कोरिया, मेरे को लगता है जापान का फूड है। बाकी कमेंट सेक्शन भरते हैं भाई, इसी का वेट कर रहे हैं। बट ये मत पूछना कि रसोड़े में कौन था? नहीं तो मम्मी गुस्सा हो जाएगी, क्योंकि रसोड़े में मम्मी होती है, वीडियो सुनाते हैं। तो मेरी वीडियो पर यही तो कमेंट्स आए, आंटी से बताओ रसोड़े में आप ही थे ना, रसोड़े में मम्मी थी। ठीक है, तो करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग और मम्मी आपका प्रकट करते हैं चम्मच। ओके मम्मी, तो मैं पहले आपसे पूछ लेता हूँ कि क्या आपने सुशी कभी खाई है पहले? नहीं भाई। ओके, तो मैंने भी नहीं खाई, मम्मी ने भी नहीं खाई, तो इट्स गोना बी अ न्यू टेस्टिंग सेशन। तो टेस्ट करो मम्मी आप अपनी राज कचौड़ी और मैं टेस्ट करता हूँ सुशी। आई होप ये अच्छी हो, मैंने कभी खाई नहीं, मेरे को डर लग रहा है। चावल और मैदे का मिक्सचर लग रहा है, चावल की भी बनती है। टेस्ट राज कचौड़ी टाइम। ओए हो,
मम्मी एक बात तो जेन्युइन है, देखो देसी देसी कोई कंपैरिजन नहीं है भाई, लाइक सही बता रहा हूँ, राज कचौड़ी से सुशी का कोई सुशी 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 राज कचौड़ी का जो टेस्ट है ना, ओए हरी चटनी मीठी चटनी दही जो फिलिंग होती है फिलिंग अलग, और मेरे हिसाब से मम्मी राज कचौड़ी तो आपकी फेवरेट है। तो आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, हम मिल के इसमें मम्मी को देते हैं राज कचौड़ी के लिए एक पॉइंट, बिकॉज लिटरली राज कचौड़ी इज वे बेटर देन सुशी यार, हटो यार राज कचौड़ी दो। वेलकम टू राउंड 2 में पानी क्यों? अरे राउंड 2 में पानी इसलिए है, मतलब आप ना पेड़ चैलेंज तो खाने का हो रहा है, चैलेंज खाने का हो रहा है, पर अब आपने एक बार चूज कर लिया ना, अब वो चूज करेगा जो जीतेगा ये चैलेंज। ये क्या चैलेंज है? चैलेंज है फ्लिप द बॉटल चैलेंज, और इसको आपको टेबल पे गिरा रहा है फ्लिप करके, तो जो पहले गिरा देगा उसको मिलेगा चांस टू चूज। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके 3 2 1 ये मेरे काम की चीज नहीं है। घुमाओ इसको ऐसे रखो, ऐसे पकड़ो, टक ट्राई मम्मी ट्राई। अरे तो बॉर्डर पार भेज दी, उठाओ उसे, चलो। ओए इसको क्या सीधे खड़े करना है? हां करो मम्मी, कम ऑन, इम्पॉसिबल है। 1 eternity later मम्मी आपसे तो ना होगा, नहीं होगा। ओके ओके फाइनली आई वांट इट। इतनी खुशी मुझे आज तक मैंने कौन सा मम्मी इसमें PhD कर रखी है, मैंने भी पहली बार फ्लिप द चैलेंज ट्राई कर रहा था, पता है मेरे को, मुझे क्या पता था कि ये मेरे साथ ही चैलेंज होगा। यस मतलब मैंने 2-3 ट्राइज कर दी, पर मैंने कौन सा उसको खड़ा कर दिया तो नहीं हो पाया था, बट आई गेट द चांस टू चूज देसी वर्सेस विदेशी राउंड 2। तो आई गेट आउट और इन मीन सब पिपिन इन पिन आउट खेलना है तो इन लोगों ने गेट आउट। ओके मॉम गेट्स दिस, तो लेट्स सी हम करेंगे अनबॉक्सिंग, तो चलिए शुरू करते हैं। मम्मी क्या है आपके पास? मुझे मिली है देसी दाल मखनी, दाल मखानी, पिज्जा, विदेशी पिज्जा। आई लव पिज्जा। तो मम्मी डू यू एग्री कि आपको विदेशी दाल नहीं, नहीं 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 ये बात नहीं है, मुझे देसी बहुत अच्छा लगता है लेकिन पिज्जा भी बहुत अच्छा लगता है। यम्मी दाल। ओके तो नान पहले दाल के साथ, दाल तू क्या पिज्जा के साथ खाए? मेरी नान आ रही है, नान प्रकट। ऑलराइट फैमिली, तो मेरा नान आ गया, और एक बार नान की अनबॉक्सिंग ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ये देखो एक बार मम्मी। ओह माय गॉड, फैमिली नान है क्या? ओके मम्मी एक नान पकड़ना, थोड़ा उधर कोना नान पकड़ना। फोटो खींच ली मैंने, भाई साहब क्या नान है यार। ओके तो मम्मी आप खाओ पिज्जा, मैं टेस्ट करता हूँ अपनी दाल, और देसी विदेशी राउंड 2 के विनर देखते हैं कौन है। वैसे तो मैं ही जीता हूँ, वैसे तो दाल मखनी नान का कोई मुकाबला नहीं है, लेकिन पिज्जा भी बहुत बढ़िया होता है, दोनों चीजें ही अल्टीमेट है। मजा आया, फिर जीता ना देसी, पर राउंड 2 मैं जीता हूँ पिज्जा, और ये कॉम्पिटिशन में आपस में आप लोगों क्या पसंद है, दाल मखनी या पिज्जा, डू कमेंट डाउन। यम। तो 1-1 हमारे हैं, एक राउंड मम्मी जीती, एक राउंड मैं जीता, चलते हैं हम अपने राउंड 3 पे फैमिली। ऑलराइट फैमिली, तो वेलकम टू राउंड 3, और मम्मी राउंड 3 में पता क्या होने वाला है, राउंड 3 में आप लोगों की स्क्रीन पे एक लोगो आने वाला है, लाइक एक नहीं 2-3-4 लोगो आएंगे, और हमें बताने की लोगो कौन सा सही है, जैसे नाइकी का लोगो आता है एक टिक मार्क, और मतलब टिक मार्क वाला सही है या उल्टा टिक मार्क होता है क्या होता है, मतलब हमें बताना है कि सबसे बढ़िया लोगो कौन सा है, ओरिजिनल कौन सा है। ठीक है मम्मी, तो 3-2-1 आप हमें बताना है कि ये लोगो कौन सा है। ओके तो मम्मी ये है 4 बर्गर किंग के लोगोस, तो कौन सा वाला सही है बर्गर किंग का? मम्मी बर्गर किंग का बर्गर खाते हो आप? कभी कभी खाती हूं, अगर आप लोगों को सुनाई दे रहे मम्मी का तो मैं बता देता हूँ, मम्मी का बेस कम है थोड़ा वॉल्यूम में, और मेरा थोड़ा ज्यादा है, तो मम्मी थोड़ा मुझे लग रहा है ये ब्लू वाला जो है वो सही है,
थर्ड ऑप्शन बता रहे हो आप। हाँ। और वैसे तो आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, मैं खाता नहीं हूँ बर्गर किंग, मेरे को मैकडी ज्यादा पसंद है बर्गर किंग से। तो पर्सनल तुम लोग बच्चे बनवा लेते हो तो, लेकिन जाके थोड़ी हम। बट आई थिंक मेरे हिसाब से लोगो नंबर टू इसका करेक्ट है, जिसमें ब्लू साइन है और येलो, क्योंकि मतलब मैं देखता रहता हूँ। बट आई थिंक एक बार पूछते हैं क्या दिव्या से, तो ब्रो कौन सा सही है? और लोगो नंबर टू सही है, तो अभिषेक जीत गया हमारा नाम। यस मम्मी, कसम से मैं बता रहा हूँ, मैंने बिल्कुल ही बिल्कुल तुक्का मारा है, मेरे को नहीं पता था कि कौन सा लोगो ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली बर्गर किंग हम खाते नहीं है। तो ओके, राउंड थ्री मैं चूज करता हूँ ये, और मम्मी को मिलता है वो ऑब्वियसली, और कोई ऑप्शन भी नहीं है, थर्ड ऑप्शन वी डोंट हैव इट। So let's see क्या मिला है। ओके, विदेशी चोकोलावा केक। But I am happy with गुलाब जामुन। तो मतलब हमने ऑप्शंस भी इतनी अल्टीमेट रखी हुई है कि देसी वर्सेस विदेशी, मतलब विदेशी हो गया चोकोलावा केक और देसी हो गया गुलाब जामुन। और शादियों पे जाओ और गुलाब जामुन ना खाओ, ये तो हो ही नहीं सकता ना। बहुत चोकोलावा तो मिलता नहीं, चोकोलावा होता है, लेकिन मैंने आज तक किसी शादी में चोकोलावा देखी नहीं। आप लोगों ने खाया तो बताना कमेंट करके, पढ़ने में। गुलाब जामुन तो हर शादी में होते हैं, हर फंक्शन में होते हैं। यार पता नहीं क्यों दिल सा मान नहीं रहा, थोड़ा थोड़ा इधर जा रहा है, विदेशी विदेशी से देसी में जा रहा है, क्योंकि ब्रो वो तो गुलाब जामुन है, वो तो गुलाब जामुन की चाशनी है। इसके नाम से जी चाशनी, गुलाब जामुन भी तो है ना बीच में। ओके लेट्स ईट इट, गुलाब जामुन और वो भी हल्दीराम के, चोकोलावा केक और वो भी डोमिनोज का। यम्मी, देखो मम्मी ऐसा नहीं है तो ये अच्छा। यम्मी, I'm jealous. I don't know why. इतना अच्छा देसी देसी फूड क्यों आया भाई भाई? Okay, now mommy, you should definitely taste this. कैसा? गुलाब जामुन का टेस्ट खराब कर दिया। आए, दिल तोड़ दिया, खंजर मार दिया मम्मी की कसम से सीने में। Okay, तो हम यहाँ से चलते अपने राउंड फोर की तरफ, तब तक मैं गुलाब जामुन खा लूँ। Bye. Okay, welcome to round four. मैं चुप रहने वाला हूँ, मैंने मम्मी को बोला मम्मी आप बोलो, मैं देखना चाहता हूँ, क्योंकि जब भी मम्मी अपनी मतलब वीडियोस रिकॉर्ड करती है ना, तो वो बिल्कुल अकेले में करती है, तो मतलब किसी के सामने बोलती नहीं, मतलब किचन में कोई नहीं आना चाहिए तब बोलते हैं मम्मी, तो आई वांट टू सी मम्मी हाउ यू रिकॉर्ड। करो इंट्रो राउंड फोर का। ओके, वेलकम टू राउंड फोर, और अब हम करने वाले हैं वो तो हम कर ही रहे देसी वर्सेस विदेशी स्टार्टिंग से। कोई नहीं मम्मी, आप थोड़ा सा नर्वस हो रहे हैं, पर मैं आपके साथ हूँ, कर हर मैदान फतेह। तो और अब हमारे पास क्या होने वाला है राउंड फोर में, मम्मी तीन क्वेश्चन आने वाले हैं, जो ज्यादा आंसर दे पाएगा सही और वो होगा विनर, क्योंकि ये है बिल्कुल आर यू स्मार्टर देन फिफ्थ ग्रेड वाले को, तो ये तो पता होना। तो क्वेश्चन नंबर वन प्रकट किया जाए, हाउ मेनी कॉन्टिनेंट्स आर देयर इन दिस वर्ल्ड? हाउ मेनी कॉन्टिनेंट्स आर देयर इन दिस वर्ल्ड? सेवन। अभिषेक सही बोल रहा है। अरे ओपन यार, इतना इजी है यार ये तो यार, कम ऑन यार, वन पॉइंट। ओके सेकंड क्वेश्चन, व्हिच इज द क्लोजेस्ट प्लैनेट टू द सन? क्लोजेस्ट प्लैनेट टू द सन मरकरी। ओ माय गॉड, यार मम्मी आई एम सो इंटेलिजेंट यार, मम्मी आई एम स्टिल फीलिंग सॉरी फॉर यू मम्मी। कोई बात नहीं, मैंने ही तुम्हें पढ़ाया है, कोई बात नहीं, मैंने ही तुम्हें पढ़ाया है। हां हां, बन नाक बन, खोटा खोटा बात बन, बनना है तो बाप बन, छोटे थोड़ा शाप बन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके तो आप दोनों यूट्यूबर हो तो एक यूट्यूबर का क्वेश्चन आएगा। नेम द फर्स्ट इंडियन यूट्यूब चैनल टू क्रॉस 20 मिलियन सब्सक्राइबर्स। कैरिमिनाटी। अरे इंडियन चैनल तो कैरिमिनाटी का है, 20 मिलियन प्लस। आप अभिषेक बोले आंटी की बारी, आपकी बारी। वो तो प्यूडीपाई तो है, वो तो फाउंडर है। हां अच्छा, कैरिमिनाटी नंबर 1 पे या तो आइदर इट्स कैरिमिनाटी और अमित भड़ाना, बाकी आई डोंट नो। अरे आई एम ओनली यार आशीष चंचलानी के तो आप हुए हैं। हाँ, दोनों गलत हो। एक और ऑप्शन देते हैं। कौन सा ऑप्शन है? टी सीरीज यार, तुमसे ना हो पाएगा। मैंने इंडियन यूट्यूब चैनल पूछा, इंडिविजुअल क्रिएटर पूछा, इंडियन यूट्यूब चैनल बोला भाई। वो तो म्यूजिक वो तो 100 आर पार आ रहे हैं, ये सब उल्लू बना रहा है, सारे मिल के हमको पागल बना रहे हैं। चलो मम्मी आप गुरु, आपको तो आपको चूज करने लेते हैं, आप चूज करो। ओ इतनी इतना बड़ा खुशी हो गया मम्मी, कौन सा लोगे? यही जो मेरे आगे। ओके तो लेट्स सी क्या आया है देसी वर्सेस विदेशी में, मुझे मिला है देसी वड़ा पाव।
और मम्मी को मिला है विदेशी बर्गर। तो मम्मी वैसे आपका पर्सनल फेवरेट कौन सा है, देसी या विदेशी? वड़ा पाव। आओ पहले आप खाओ। वड़ा पाव का वड़ा तो खाया नहीं, पाव पाव खा लिया। बड़ा यम्मी है। मैं भूल गया यार, मैं सारी देसी देसी चीजों को अच्छा कह जा रहा हूँ। तो ओके मम्मी, इट्स टाइम टू ईट फॉर यू टू ईट बर्गर। तुझे कैसा लगता है बर्गर? जेन्युइन टेस्ट करके देखे। मैकडी का बर्गर तो, दिस इज बर्गर किंग का बर्गर। अच्छा बर्गर किंग का। I like बर्गर मोर। मम्मी आपकी पर्सनल चॉइस क्या, आप खा के बताओ। बड़ा खाओ तो खाया नहीं तो मैं नहीं वड़ा पाव। वैसे मेरे को भी वड़ा पाव अच्छा लगा, बट पहले मैंने अब बर्गर खाया था, मेरे को बर्गर ज्यादा अच्छा लगा। लेकिन तेरे को पता है हम कभी भी तुम लोग मंगवाते हो तो मुझे नहीं अच्छा लगता ना बर्गर। बर्गर मम्मी बर्गर से ज्यादा पिज्जा प्रेफर करती है। मम्मी इज अ पिज्जा लवर, नॉट अ बर्गर लवर। तो इस राउंड का विनर भी हुआ मैं, इट्स 3-1। और चलते हैं हम अपने फाइनल राउंड की तरफ। तब तक मम्मी वड़ा पाव। तो finally welcome to round 5 और round 5 में चलो आप बोलो। तो सारे राउंड जीते हैं देसी खाना। बेशक तुम जीत गया राउंड चैलेंज में, जीता और लेकिन खाना तो देसी जीता जो मैंने बोला था। ओके लास्ट राउंड में क्या होने वाला है, यहाँ पर आपके सामने एक चॉकलेट आएगी, मेरे सामने एक चॉकलेट आएगी। वो यहाँ तो इधर होगी मंच या होगी पर्क। तो हमें गेस करना है मंच है पर्क है। अगर हम सही गेस करते हैं तो हम चूज करेंगे, अगर नहीं करते तो हम हार गए। तो प्रकट की जाए चॉकलेट। ओके तो चॉकलेट आ गई है और मेरे हिसाब से इन दोनों में कोई फर्क ही नहीं है। है मम्मी कुछ लग रहा फर्क? हाँ। किसका? ये चोरी है, बहुत स्लीक है। तो टेस्ट करो और बताओ कौन सी है। ये मैं आपको बता दूं पर्क है। खाओ। मेरे हिसाब से ये पर्क है और आपके हिसाब से ये मंच है। तो बिल्कुल सही जवाब, ये पर्क है। अद्भुत। ओके तो दोनों का जवाब सही है, एकदम करेक्ट। तो कोई दिक्कत नहीं, फिर हम मम्मी बड़ी हैं तो मम्मी को देते हैं ऑप्शन सेलेक्ट करने का। तो मम्मी कौन सा चूज करोगे? चलो ऑपोजिट चूज कर लेते हैं। आई गो फॉर दिस एंड मम्मी गोस फॉर दिस। तो लेट्स सी फाइनली देसी वर्सेस विदेशी में क्या निकला है। देसी। मम्मी को मिली है देसी और मुझे देसी कुल्फी और मुझे मिली है विदेशी चॉकलेट आइसक्रीम, बटरस्कॉच आइसक्रीम। आई लव बटरस्कॉच आइसक्रीम। इससे ऊपर तो मम्मी कुछ लगता ही मेरे को जिंदगी में। ओए होए होए होए। ये लो मम्मी बटरस्कॉच आइसक्रीम के आगे कोई कुछ है नहीं। देखो ओके फैमिली, तो लिटरली चैलेंजेस में जीता बट जो खाना है खाना देसी जीता। लाइक लिटरली भाई देसी खाने का मुकाबला नहीं है। चल आप कुछ भी देख लो, वड़ा पाव देख लो और दाल मखनी नान देख लो और आप राज कचौड़ी तो हो, 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 सबसे अच्छी तो राज कचौड़ी थी। कोई फिल्म में टेस्ट भी तो करा लो। बिल्कुल दूध का टेस्ट। तिल्ले वाली कुल्फी है 5 रुपए वाली। तिल्ले वाली कुल्फी बच्चों को वैसे पहले 5 रुपए की आती थी, 25 रुपए की आती है। महंगी हो गई। बाकी हमें बहुत मजा आया आज का देसी और विदेशी फूड चैलेंज करके। आप लोगों को देसी खाना खा के तृष्णा एकदम। और मेरे को पता है क्या होता है, जो अब हमारा खाना है ना, हम लिटरली सारा देसी हम खुद ही खा लेंगे और विदेशी हम किसी को दे देंगे, क्योंकि देसी तो यार दाल मखनी नान तो कौन छोड़ेगा, सब खाने वाला है। तो वेस्ट नहीं करेंगे, बिल्कुल भी फूड सारा फूड यूटिलाइज करेंगे, नहीं तो किसी को खिलाएंगे। आप लोग भी घर पे रहो, सेफ रहो, मास्क पहने रहो, सैनिटाइज करते रहो और देसी खाना खाओ ब्रो। वी लव देसी। विदेशी क्या बाहर में इसको उतारो में यार उतरे। अच्छा इसको जब तक मैं उतारता हूँ इसको टाइम लगेगा क्योंकि बहुत मुश्किल से फंसाया था। ये सब भी मम्मी ये मोटापा देसी का ही नतीजा है। ये मोटापा विदेशी का नतीजा है। देसी तो किससे बनता है? पिज्जे खाते हो वो। आप लोग भी घर पे रहे, स्वस्थ रहे, अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। वीडियो को इंसान की लाइक करती रहे, डिंपल्स किचन की सब्सक्राइब करें, देखते रहे और देसी खाना खाएं। बस मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।